हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस, आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही टेस्टी है और सबको पसंद आती है, तो वो है पिज़्ज़ा। तो हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं आज, ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ब्रेड से बनाएंगे, और इससे पहले मैंने होममेड पिज़्ज़ा बनाया हुआ है तो उसको देख सकते हैं आप लोग, हमारे चैनल पर अपलोड है। तो गाइस, चलिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सा झटपट सा बन जाने वाला ये स्नैक्स है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे ले रखा है हमने सैंडविच बनाने वाली ये जो ब्रेड होती है, ये थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है। और साथ में चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत ही बढ़िया सा बन जाता है। अगर इस तरह का अमूल चीज़ है उससे भी बनेगा, ये चीज़ भी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अगर इस टाइप के अगर आपके पास क्यूब है चीज़ के तो भी बन जाएगा। तो इनमें से कोई भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर में। पिज़्ज़ा बेस नहीं है तो ब्रेड से भी बन जाएगा। एंड सॉस चाहिए तो बहुत ही सिंपल तरीके से, चलिए झटपट से बना लेते हैं बढ़िया सा पिज़्ज़ा। और उसके लिए कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए, तो आपके पास जो भी सब्ज़ी है टेस्ट वाइज कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च, टमाटर, और ये देखिए थोड़ी सी गाजर ले ली है, और ये हमारे पास थोड़ा बीन्स था उसके मैंने बीज ले लिए। यहाँ पे थोड़ी सी लहसुन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, और हरी मिर्च। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट वाइज जो भी डालना चाहें सब्ज़ी डाल सकते हैं। चलिए गाइस, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं अपनी पिज़्ज़ा ट्रे, और इसके ऊपर एक बटर पेपर रख देंगे, और इस पर ब्रेड का एक हम रखेंगे पीस। तो इस तरह की जो हमारी ब्रेड है ना, उसको रख देते हैं इस पर। और इस पर हमने अब सबसे पहले सॉस लगाना है, तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो भी लगा सकते हैं, ये शेजवान चटनी है वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये टोमेटो सॉस, तो इस टाइप के केचप सबके पास होते हैं सबके घर में, तो इजीली इससे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक बोल में निकाल लेते हैं थोड़ी सी सॉस, जिससे कि आसानी रहती है ब्रेड पर स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर आप सॉस अपने टेस्ट वाइज जो भी चाहे लगा सकते हैं। तो पिज़्ज़ा तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनानी चाहिए, जो भी सब्जियां पसंद हो लगा सकते हैं उसमें टॉपिंग में, और जो भी सॉस पसंद है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल टोमेटो सॉस जो है वो लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बेस पे इसको लगा देंगे। अब इसके ऊपर क्या करना है कि हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह का एक ग्रेटर लेंगे, इसको थोड़ा ग्रेट कर देते हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़ी सब्जियां लगा देते हैं। तो सब्जियां जो है अपने टेस्ट वाइज जो भी पसंद हो वो लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टमाटर लगा देते हैं साइड में। यहाँ पे हम ये थोड़ी सी शेजवान चटनी है ना मेरे पास, तो इसको जो है मिक्स कर लेते हैं इस सॉस के साथ, थोड़ा सा इसका बढ़िया सा स्पाइसी सा टेस्ट आ जाएगा। ऐसे मैंने इसमें शेजवान चटनी डाल ली है, और तो इसके ऊपर थोड़ा सा इस डाल देते हैं क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर डालेंगे, और फाइनली अब इसमें हमने ज़रा अलग चीज़ जो है उसको ग्रेट कर देते हैं। चीज़ आप अपने टेस्ट वाइज कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए एक मेरा जो है ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है बेक करने के लिए, तो इसे रख देते हैं इस बेकिंग ट्रे में, और फिर दूसरा बना लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और अभी एक और बनाएंगे। तो गाइस, ये देखिए हमारा 10 मिनट पिज़्ज़ा रेडी हो गया, तो इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर से इसके पीस बना लेते हैं सर्व करने के लिए। सो गाइस, आई होप ये ब्रेड पिज़्ज़ा पसंद आया होगा, जो कि बहुत ही जल्दी से झटपट से बन गया। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।